नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडिया के स्क्वाड के बारे में जो कि वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया गया। पहले मैं रीड आउट कर लेता हूँ स्क्वाड को, उसके बाद हम हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनके तरफ बढ़ेंगे। तो जो वर्ल्ड कप का हमारा स्क्वाड है वहां पे हम बता दें, पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरू करते हैं। तो राहुल और ईशान किशन, ऑफकोर्स देस These are the only two options that we have for the wicket keeping section at this moment. और कई बार तो दोनों को ये लोग सेम प्लेइंग 11 में रखते हैं। we don't know कि कैसे, अगर इंजरी विंजरी कुछ हो गई तो क्या होगा, पता नहीं है क्या होता है फिर। बैटर्स की तरफ चल रहे हैं तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली आपके टॉप थ्री बन जाते हैं। और उसके अलावा बैकअप बैटर्स में श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है। उसके अलावा देखें तो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर हैं। फास्ट बॉलर्स हैं आपके पास शमी, सिराज, बुमराह। स्पिनर्स हैं आपके पास कुलदीप एंड अश्विन। सो ये है आपके टोटल 15 प्लेयर्स जो कि इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 15 में काफी सारी कमियां, एक तो टिक बॉक्स किया था ऑफ स्पिनर हमारे पास नहीं था, अश्विन को ला लिया अक्षर के जगह पे। हम वॉशिंगटन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वॉशिंगटन को ये लोगों ने किस बेसिस पे रिजेक्ट किया है उस पर भी बात करेंगे, काफी चीजें हैं। तो हमारे पैनलिस्ट्स का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं संदीप भाई फ्रॉम पंजाब एज वेल, सेलोन भाई फ्रॉम बैंगलोर, पलाश एंड सूरज भाई फ्रॉम नागपुर। जी जी शुक्रिया, स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। थैंक यू अनमोल। आगे चलते हैं भाई, आज कोई होस्ट वोस्ट वाला फॉर्मेट नहीं है, तो मैं बस पहला सवाल ये आप सभी से करना चाहूंगा, आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं, बैकअप विकेट कीपर्स कहां से लाएंगे भारत वाले? देखिए केएल राहुल से तो विकेट कीपिंग करवा रहे हैं और उसके अलावा बैकअप में ईशान किशन तो है ही आपके पास, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि परमानेंट विकेट कीपर आपके पास है ईशान किशन, तो आप उनसे पहले विकेट कीपर के तौर पर उनको क्यों नहीं रखते, केएल राहुल को क्यों रखते, बैकअप विकेट कीपर को रखिए आप केएल राहुल को, लेकिन जो फर्स्ट विकेट कीपर का जो यहाँ पर चिन्ह है वो मुझे लगता है ईशान किशन को रखना चाहिए। मेरा सवाल ये कि ईशान किशन एंड केएल राहुल एक ही प्लेइंग 11 में होते हैं, ठीक है, अब एक प्लेइंग 11 में है, सपोज ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, पर होता है, स्पोर्ट्स है, अगर दोनों में से किसी को भी, दोनों को भी इंजरीज हो गई, मतलब केएल राहुल तो आपको पता है किस तरह की टेंडेंसी है, एंड ईशान किशन वी डोंट नो एनीथिंग, अगर क्रैम्प वैम्प आ गए पहले बैटिंग करते हुए, सेकेंड बैटिंग में उनकी वो कंडीशन नहीं रही, केएल राहुल की कंडीशन नहीं रही विकेट कीपिंग की, तो विराट कोहली विकेट कीपिंग कर लेंगे क्या? जी मुझे लगता है बिल्कुल विराट कोहली करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले अंडर 19 टाइम में किया हुआ है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे कोई हल नहीं है। धोनी ने गेंदबाजी पकड़ी थी न्यूजीलैंड में तब भी उन्होंने विकेट कीपिंग करी। जी 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 ये कोई हल नहीं है वैसे, लेकिन ये हमारे साथ ही नहीं है अनमोल भाई, ये पाकिस्तान की टीम है उसमें भी एक ही विकेट कीपर है और वो प्लेइंग 11 में खेलेगा और उसके बाद उनके पास कोई विकेट कीपर नहीं है, वो दोबारा मंगाएंगे अगर वो टोटल हो जाता है तो। मोहम्मद हैरिस को उन्होंने ट्रैवलिंग में डाला हुआ है, वो ट्रैवलिंग में। संदीप भाई जी, पाकिस्तान के पास विकेट कीपर नहीं है, वो उनका पॉलिटिक्स है, क्योंकि आप देखो ना सरफराज को वो लोग पिछले कई टाइम से डाउन प्ले कर रहे हैं, पर इंडिया में तो भाई ऐसी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अगर अनलेस आप संजू सैमसन को डाउन प्ले करना चाहते हैं, क्या आप एक बैकअप विकेटकीपर नहीं रख सकते थे? मैं चाहता था कि सूर्य कुमार यादव को तो होना ही नहीं चाहिए था, वहां संजू की ही जगह बनती थी, क्योंकि सूर्य का 25 का एवरेज, संजू का 55 का वनडे में, तो आपके पास विकेटकीपर भी है और बल्लेबाज भी वो उससे अच्छे हैं सूर्य से, और रिकॉर्ड को उठाकर भी देखे तो संजू का रिकॉर्ड बेहतर है सूर्य से, यदि देखे हम तुलना करें तो सूर्य से बेहतर रिकॉर्ड संजू का है। मैं बताता हूँ कैसे विकेट कीपर को लाया जाएगा, मैं बताता हूँ। श्रेयस अय्यर हैज बीन इंजर्ड हिज बैक, ही इज गिविंग अ बैक स्पैज़म सो ही इज मिसिंग आउट एंड संजू इज बीन रिप्लेसिंग हिम एज अ बैकअप विकेट कीपर। हां 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 दैट्स दीस गाइस, ये लोग यही कर सकते हैं बस, लेकिन ये पहले देखने चाहिए थे ना इनको कि हमारे पास एक बल्लेबाज है जो हमें चाहिए, जो 55 के एवरेज से रन दे रहा है यार, वो दूसरा 25 का है, 30 कम से कम का फासला है, तो आप उसको तो रखेंगे। संजू की 55 की एवरेज, लेकिन कहां उसने मैच जीता है? मैंने बोला वेस्ट इंडीज में अगर अक्षर पटेल के साथ वो साझेदारी ना करते तो कहां जीतते तुम? बिल्कुल 311 का लक्ष्य था यार उसमें, अक्षर पटेल के साथ संजू सैमसन ने साझेदारी की। एक बात बताओ, वनडे मैचेस में कौन से मैचेस जीता है
वो कल वाला ही है बस, एक कल वाला नहीं माफ कीजिएगा, दूसरा वनडे जिसमें वो रन बन गए, कल वाला बस वही है। उसमें भी आपको इतनी अच्छी स्टार्ट मिल गई थी, वो तो आप मार ही नहीं, वो तो फिर वो तो आपको मारना ही था ना ऐसे फ्लैग नहीं पिच पे। आपको मार्जिन तो देना पड़ेगा ना उसको भी, उसने 4 छक्के लगाए, वो एक मैच ही है ना बस, हाँ सिर्फ अच्छा एक ही मैच है वो। आज टी ट्वेंटी में भी जब टी ट्वेंटी में जब पहला शतक लगाया था, बहुत ही पता नहीं उसको लगता कि मैं टी ट्वेंटी का गेम भी वनडे में खेल पाऊंगा, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन हाँ वो टी ट्वेंटी में अलग चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। आज वार्म अप गेम है इंग्लैंड के साथ, देखो जॉस बटलर और सूर्या सेम प्लेयर हैं, पर जॉस बटलर क्योंकि विकेट कीपिंग करता है इंग्लैंड में परमानेंट स्पॉट है। अगर सूर्या विकेट कीपिंग कर रहे हो वनडे में गेम सूर्या से कहीं ज्यादा बेटर है, अनमोल वनडे गेम सूर्या से कहीं ज्यादा बेटर है। अरे नहीं 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 देख 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 स्टेलन भाई देखो यहाँ पे क्या आता है ना, सूर्या के साथ क्या सीन है, सूर्या का और जॉस बटलर का गेम एक ही है, बस यहाँ पे क्या सीन है कि जॉस बटलर नोस की कैसे रुकना है, सूर्या डजंट, सूर्या को आता नहीं है वो, मुंबई की टीम को हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, सूर्या इज द इंटेग्रल पार्ट इन द मुंबई क्रिकेट। वहां देखें अगर सूर्या 20 बॉल में 5 रन पे खेल रहा है और पिछले 15-16 बॉलों से बाउंड्री नहीं आई है, तो सूर्या एक रैशनल शॉट खेलने जाएंगे बाउंड्री मारने, इवन दो की मैच का सिचुएशन है कि आपको ड्रॉ खेलना, इवन दो, पर वो एक बाउंड्री चाहिए सूर्या को, वो जो एनर्जी है जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए। एंड जॉर्ज बटलर के साथ ऐसा नहीं, जॉर्ज बटलर सिंगल के साथ भी चला सकते हैं काम अपना, अगर आप उनके साथ तुलना कर रहे हैं ना, वो पहली 20 गेंदों में सिंगल भी लेंगे तब भी उनको लगेगा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सूर्या को वो नहीं लगेगा, अगर उनको पहली 20 गेंदों में 2 चौके 1 चौका नहीं आया तो वो आउट हो जाएगा। हाँ हाँ एक्चुअली सूर्या ऐसा है कि वो ज्यादा डॉट बॉल खेलते नहीं है, सिंगल लेते हैं, पर उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बाउंड्री ही उनके लिए एक बाउंड्री ही है। हाँ, वो सिंगल डबल पे भी नहीं है उनका। अगर उसने 12 बॉल में 24 रन भी एक के दुक्के 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 से बना लिए ना, वो कहेगा 12 बॉल में 24 इनफ नहीं है मेरे लिए, मैं चौके लगाता हूं। नहीं, वो संतुष्ट नहीं होगा, ये ठीक ये सही है बात। अच्छा मैं आज वार्म अप गेम है इंग्लैंड के साथ, तो इसमें वैसे 15 प्लेयर पूरे खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन पहली प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आज के मुकाबले में वार्मअप गेम में? देखो बैटिंग कर रहे हैं, अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो नंबर 11 तक बैट्समैन खिला लेंगे। जी जी जी, अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो हमें नंबर 11 तक बल्लेबाज चाहिए। जी बॉलिंग कर रहे हैं तो भाई देखो, बॉलिंग कर रहे हैं तो सारे बॉलर ही खिलाएंगे फिर तो बैट, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सारे बॉलर तो होने है नहीं, आपने 5-5 बॉलर खिलाए हैं, 2 फास्ट बॉलर में हार्दिक पांड्या को, चलो हार्दिक पांड्या डाल लेता है विकेट ले लेता है मानता हूँ, शार्दुल ठाकुर को तो मैं ना बॉलर मानता हूँ ना बैट्समैन मानता हूँ, वो बीच वाला तो, बीच वाला उनका तो आप ये मानिए कि लक अच्छा चल रहा है, वो वर्ल्ड कप में आ गए, मुझे लगता नहीं था कि वो वर्ल्ड कप की टीम में चुने जाएंगे। आपने वनडे में देखा 10 ओवर में 65 रन एशिया कप में बांग्लादेश के सामने। देखो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग के बेसिस पे किसी को लाना था तो ऋषि धवन को लाना चाहिए था वनडे। आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैच में कई सिचुएशन ये है कि आपको 5 विकेट चाहिए या फिर शार्दुल के 20 रन चाहिए, तो आप 5 विकेटों के साथ जाएंगे कि हम टीम को ऑल आउट करें और टीम से जीते। ये 5 विकेट के साथ नहीं जाएंगे भैया, और एक चीज नहीं, हम जाएंगे ये नहीं जाएंगे, ये 20 रन के साथ जाएंगे, हम टीम मैनेजमेंट नहीं है ना, हम टीम मैनेजमेंट नहीं, ये 20 के साथ जाएंगे, शार्दुल 20 बनाएगा। मेरा भी एक पॉइंट यहाँ पे रेज ये है आपका सबके सामने, अगर आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, बैटर हु कैन बैट इट, वो 7-8 नंबर पे भी बैट कर सकता है और टॉप ऑर्डर पे भी बैटिंग कर सकता है, अभिषेक शर्मा है पंजाब से, उनमें कोई बुराई नहीं है, फ्लुएंसी है भाई बैटिंग में उनके, वो तो ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन उनके उनके ना अनमोल भाई बॉलिंग 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 उतनी अच्छी नहीं है। मैंने देखा संदीप भाई, पंजाब की टीम जब डोमेस्टिक में खेल रही थी इस बार, अनमोल भाई डोमेस्टिक जो हमारा है ना वो इतना अच्छा नहीं है कि हम उसको इंटरनेशनल पे मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं।
सुनिए, रविंद्र जडेजा के 13 शतक है डोमेस्टिक में, तीन तीन पत्नी दो दो बनाए हुए हैं उन्होंने। संदीप भाई वो एक्चुअली में ना 10 साल पहले की बात थी, जो रविंद्र जडेजा का सेंचुरी था ना, उस टाइम पे रविंद्र जडेजा वाज अ डिफरेंट बैट्समैन, ठीक है। उस टाइम रविंद्र जडेजा का बैटिंग चलता था। अब मैं बोलूं, अगर रविंद्र जडेजा इवन मध्य प्रदेश के अगेंस्ट उनको बैटिंग करवा लो, चार फास्ट बॉलर्स हैं, निपटा देंगे रविंद्र जडेजा को 5-6 बॉलों के अंदर अंदर। डोमेस्टिक इतना अच्छा नहीं, इसका कारण हमारे बड़े प्लेयर नहीं, हम इसका कारण कौन है, हमारे खेलते नहीं है यार। कम से कम उनके सामने जाके खेलो। मैं एक्चुअली बोलू ना, अगर आप देखो तो हमारा डोमेस्टिक अच्छा है, पर देखो हमारे डोमेस्टिक को इन्फोसिस नहीं दिया जाता ना। आप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो उन प्लेयर्स को आप लेते ही कहा हो, जिन प्लेयर्स ने डोमेस्टिक। और इंडिया ए के मैचेस सरफराज खान ने कितना कितना रन बनाया, सरफराज खान ने कहां लिया हमने उनको। देखो इंडिया ए के मैचेस आप कहां कराते हो, इंडिया ए के मैचेस तो कराओ कम से कम, कहां कराते हो। इंडिया में भी कौन खेलता, कौन है जो आईपीएल में परफॉर्म करता है, डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है वो थोड़ी खेलता है भाई। जिस प्लेयर ने धूप में खेला है, जैसे अनमोल प्रीत सिंह है नंबर 3, अब पंजाब में इतना जबरदस्त प्लेयर है, इतने रन बनाए हैं, उनको खिलाया उन्होंने नंबर यहाँ पे खिलाया उनको। आप बोलो कि उन्होंने आईपीएल में परफॉर्मेंसेस नहीं किए, भाई उनकी बैटिंग देखी है आपने डोमेस्टिक में जाके। पता क्या अनमोल भाई, एक विकेट कीपर है पंजाब के, जो अभी हाल ही में उन्होंने शतक भी बनाया आईपीएल में, प्रभ सिमरन सिंह। आप उसको लेके तो जाए, आप लेके गए हैं टीम के साथ, लेकिन खिलाया नहीं है आपने। सबसे ज्यादा पंजाब की टीम को फॉलो करता हूँ, बलतेज सिंह ढंडा नाम के बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। बलतेज है, जितेश शर्मा आए थे वो, हम उनको मानते हैं कि वो मतलब जैसे लिविंगस्टन खेला करते थे वो वैसा कुछ है उनमें भी, कि वो हर बॉल पे जाके मार सकते हैं। देखते हैं अब उनको 2020 में आजमाते हैं या नहीं, लेकिन वो भी एक अच्छे विकेट कीपर और बल्लेबाज है, मुझे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा विकेट कीपर बैठे हैं जी। पंजाब में बहुत ऑलराउंडर्स हैं, बहुत ऑलराउंडर्स। विनय चौधरी बीच में आए थे पंजाब में, चंडीगढ़ की टीम भी उठा के खेलो ना, चंडीगढ़ की टीम भी उठा के। मनन बोहरा का क्या हुआ, मनन बोहरा पता नहीं आज फिर में ही नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल। ऑलराउंडर की बात की जाए, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात की जाए, तो हरप्रीत ब्रार भी है पंजाब टीम के, जो आईपीएल के प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है हरदीप सिंह। ने क्या गलत किया था जिसको आपने वर्ल्ड कप से ही हटा दिया यार, बिना किसी गलती के। लेकिन मुझे मैं वैसे इस बात से थोड़ा सा हैरान भी हूँ, लेकिन अच्छा भी मुझे लगा, क्योंकि ये ना हरदीप सिंह का जो प्रॉब्लम थी वो वाइट है, नो बॉल है जो होने लगी थी, वो ज्यादा होने लगी, उसका भी रीजन है, बताता हूँ। T20 वर्ल्ड कप खेला अनमोल उसने, ठीक है, 2022 का, न्यूजीलैंड के सामने उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, श्रीलंका के सामने उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बाद में वो बंदा कहीं दिखा ही नहीं, बाद में आपने उसको हर जगह से ऐसा गायब कर दिया कि धूप में से मक्खी को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अरे नहीं यार सलम, देखना आप मेरे को बताओ, उसने अब आयरलैंड सीरीज खेली, देखो आपकी टीम जब आयरलैंड गई थी तब हर्षदीप सिंह थे ना वहां पे वर्ल्ड कप के बाद, और उनको मार पड़ रही थी वहां पे, आयरलैंड के सामने मार पड़ रही थी उनको, तो आप कैसे आप ऑस्ट्रेलिया के सामने उनको करेंगे। उनको मार कौन रहा था, वो सिमी सिंह मार रहे थे नंबर 8 वाले। जी 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 जी, तो वो अर्शदीप सिंह में ये कुछ ना, हमारे इंडियन प्लेयर ऐसे हैं जिनको अगर एक बार मार पड़नी शुरू हो जाए ना, तो वो उस फिर भावना में बहते जाते हैं, उनमें से अरे इन प्लेयर्स को एक स्पेसिफिकली एक अकेडमी है, इसमें लिस्ट किया जाता है जो भी मार खाते हैं। इंडिया में यूट्यूब का ट्रेंड है, ट्रोलर्स बोलते हैं इसको, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी बॉलर ऐसे मार खाता है उसको अशोक डिंडा अकेडमी का प्लेयर बता देते हैं, जैसे उमेश यादव मार खाते थे, अशोक डिंडा अकेडमी में चले गए बोल दिया। अरे बंदा काउंटी क्रिकेट में भी 4 के रन से रन दे रहा है उमेश यादव। अरे भाई लेकिन उमेश यादव की चीज है ना, उमेश यादव का ना वो बेसिक सी नहीं है यार, 23 साल के एज में जिस बंदे ने फास्ट बॉलिंग शुरू की हो ना 22 साल के, उस पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। हाँ विकेट लेते हैं। दूसरा हमारे साथ ये होता है अनमोल भाई, कि हमारे पास बॉलर आते हैं लेकिन वो इंजर्ड होते हैं, उसके बाद फिर उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। मुनाफ पटेल उनमें से एक थे, प्रवीण कुमार उनमें से एक थे, वरुण अरुण उनमें से एक थे, ये सारे कहाँ गए, ये उसकी वजह
बॉल मारी है ना, वो बंदा जब टेस्ट मैच में शतक लगाता था उसको 50 तक सीमित रहना पड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी 25 की एवरेज थी तब अरमोल भाई 25 की एवरेज थी उसकी बल्लेबाजी में स्टुअर्ट ब्रॉड की, लेकिन जब से वो बाउंसर लगाया ना उसके बाद 12 की आ गई वो। हाँ यार, अरे 10 रन बनाने में डर लगता है अभी उस स्टुअर्ट ब्रॉड को। तो ये बाकी चलो अभी देखो वरुण नारायण वगैरह बॉलर है, वरुण नारायण तो अभी फास्ट बॉलिंग करता है। हाँ नंबर 4 केएल राहुल खेल रहे हैं ठीक है, 5 नंबर पे आप किसको खिला रहे हो? सूर्या अय्यर को नो सूर्या किशन। ओके फिर आप देखो अगर 5 पे अय्यर है फिर सूर्या और किशन में से है फिर किशन खेल रहे हैं। सूर्या तो खेलेंगे नहीं, किशन ही खेलेंगे और फिर हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। आप किशन को नहीं खिला सकते, सुनो क्या हो रहा है, 5 पे अगर अय्यर खेल रहा है तो 6 पे हार्दिक, 7 पे जडेजा आएगा। ओके किशन नहीं खेलेंगे, हाँ फिर किशन की जगह नहीं बनेगी, सूर्या और किशन की दोनों की नहीं बनेगी फिर। किशन की जगह नहीं बनेगी तो ये बहुत नाइंसाफी वाला काम होगा आज केएल राहुल। नाइंसाफी भी होगा और मुझे लगता है ये भारत के लिए भी हित में नहीं होगा, क्योंकि केएल राहुल ऐसी इतनी अच्छी विकेट कीपिंग तो करते नहीं है। उस दिन आपने देखा कितना सिंपल सा स्टंपिंग छोड़ा था केएल राहुल ने। जी जी जी, और रनआउट छोड़े अनमोल भाई, वहाँ पे रनआउट भी छोड़े 2-3 छोड़ा उन्होंने। ये भी होगा कि एक मिडल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी नहीं मिलेगा आपको। मिडल ऑर्डर की बात करो, नंबर 7 पे जडेजा बैटिंग करने आएंगे वो एकमात्र लेफ्ट हैंडर है, उससे पहले टॉप 6 में एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है आपके पास। वो मिडिल ऑर्डर में नहीं होगा, वो तो एकदम अरे नहीं होगा, अरे टॉप ऑर्डर में भी एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है ना यार पलाश भाई, मिडिल ऑर्डर की तो बात ही छोड़ दो, टॉप ऑर्डर में भी लेफ्ट हैंडर नहीं है तो फिर बैटिंग आपकी पूरी राइट हैंडर ही कर रहे हैं। 1-6 तक आपके राइट हैंडर चलेंगे तो ये फिर अगले जो गेंदबाज होंगे वो अपोजिशन टीम के, तो उनके लिए तो बढ़िया होगा, काम आसान हो जाएगा उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। आप लगाओ दोनों एंड से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, देखते हैं विराट कोहली। उस दिन देखिए मैक्सवेल 4 विकेट ले गया वो। हाँ उसका वो बड़ी हुआ ना, अगर बीच में कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर, इंडिया का वो हमेशा वाला गुरूर, हम उससे अच्छा स्पिन कोई माइकल और खेल नहीं सकता। अरे वो पार्ट टाइम बॉलर है वो 4 विकेट ले गया, असल अंका 4 ले गए उस दिन, तो मैक्सवेल भी 4 ले गए बिल्कुल। लो तो ऐसा ही होने वाला है वो। अरे भाई धनंजय डी सिल्वा को भी आप मैं तो बोलता हूँ रत्ती से रत्ती स्पिनर जो रूट 5-5 विकेट लेके जा रहे हैं आपके इंडिया में आके लेके जा रहे हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में आपके पास 3 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे, गौतम गंभीर, युवराज सिंह और उसके बाद लास्ट सुरेश रैना, तो ऐसे 3 प्लेयर थे लेफ्ट हैंडर और 3 राइट हैंडर थे। तो ये देखे ना, कॉम्बिनेशन बनता है ना, कॉम्बिनेशन बनता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने राइट इन्होंने लेफ्ट हैंडर को ग्रो ही नहीं होने दिया। अब वाशिंगटन सुंदर को अगर आप ओपनिंग करा रहे हो उस दिन रोहित शर्मा भाई साहब, तो वाशिंगटन सुंदर को पहले क्यों नहीं खिलाया? वही तो बात है, वो तो कोई तुक ही नहीं था उनको ओपन करवाने का। वाशिंगटन सुंदर को ग्रूम करना था तो अभी जगे हो क्या आप? अनमोल भाई आपको पता है कि वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं जा रहा हमारे साथ, जो वर्ल्ड कप की टीम में जा रहा है आप उसको ओपन करवा दे, चलो रन ही बनवाने हैं आपने, उसका बल्लेबाजी देखने तो रविंद्र जडेजा को ले आते हैं। उसकी उम्मीद क्यों तोड़ रहे हो तुम, उसकी उम्मीद क्यों तोड़ रहे हो, ओपन करा रहे हो बाद में एशियन गेम में भेज रहे हो यार आप उसको। हाँ उनको ओपन करवा के अगर उन्होंने शायद शतक वतक लगा दिया होता तो क्या लगता उन्हें फिर? कुछ नहीं, वो जो 18 रन भी बना था, मैं मानता हूँ वो 18 रन भी बहुत अच्छे थे रोहित शर्मा के साथ, वो खड़ा रहा बंदा। बाद में तुम अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है, विराट कोहली तुम्हारे साथ खड़ा है, फिर भी तुम मैच नहीं जीता पा रहे, उसका मतलब अभी, क्या अभी, है? अभी, आपको एक, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल का जो मैच था न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहाँ पे रिचर्ड रविंद्रा ने ओपन किया जो नंबर जी, उन्होंने 97 रन भी बनाए, वही मैं कह रहा हूँ अगर आप ओपन करवाना चाहते थे उसको करवाते जो वर्ल्ड कप की टीम में आपके है, रविंद्र जडेजा को भेज देते यार वो, क्योंकि वैसे भी बॉल खाता है तो ओपन पे खा लेता तो चलता था। कम से कम उसका पेट तो भरता बॉल खा खा के। बिल्कुल बिल्कुल वही वही फाइनल एनालिसिस बोल रहे हैं, इंडिया कहां तक पहुंच रहा है वर्ल्ड कप में?
मुझे ऐसा लगता है अनमोल भाई कि फाइनल तो खेलेगा इंडिया। देखो मैं चाहता जीतेगा नहीं हूँ, जीतेगा जीतेगा वो नहीं कह रहा हूँ, चाहता हूँ जीते, लेकिन वो नहीं है मेरे अभी। फाइनल जरूर खेलेगा, बस यही है। वो दो तीन कारण है, एक तो वो घर पे खेल रहे हैं उनको ये फायदा होगा, और दूसरा अभी अगर हम बात करें तो पांच हमारे पास ऐसे बल्लेबाज है जिनका 40 से ऊपर एवरेज है। अभी कोई भी टीम ऐसी नहीं है दस भैया। की दस टीमों लखनऊ में भाई से। एक एक बात बताओ, चेन्नई लखनऊ की पिच पे अगर आप जाओगे ना, चलो लखनऊ की पिच अभी अच्छी बन गई है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी स्पिनरों को तो 100% मदद तो करेगी। करेगी, चेन्नई लेकिन वो उसका को उसका उसका देखो भाई, एडवांटेज भारत को तो होगा, क्योंकि भारत में भारत ही खेल रहे हैं ना, तो वहां पे भारत थोड़ा में भारत उनको खेल रहा है, भारत में आएगा। भारतों के गेंदबाजों को एडवांटेज होगा, लेकिन भारत में भारतों के बल्लेबाजों को कितना एडवांटेज होगा ये नहीं बल्लेबाजों पता। को नहीं होगा बल्लेबाज, लेकिन फिर भी हमारे पास मुझे लगता है अरे कि कर लेंगे कंट्रोल। ऐसा ना हो जाए कि 6 ओवर में 6 विकेट ग्लेन मैक्सवेल ले तो फिर कभी कभी हो जाता है, तो देख लेंगे वो, लेकिन मुझे जाए। लगता है पता कि चला फाइनल इंग्लैंड तक ने जोरू को पहुंचेगा। गेंदबाजी दे दी। अरे छोड़ो यार, कबड्डी का वर्ल्ड कप करवाओ, कबड्डी में विराट कोहली रेडर बनेंगे। तो ये बात भी है, मुझे लगता है अनमोल भाई कि फाइनल तक जाएगा भारत इस वर्ल्ड कप में। मेरे मेरे हिसाब से तो जी हाँ, जीते जीतेगा भी इंडिया इस बार अरे बाप रे, वर्ल्ड कप, अरे बाप रे, अरे वर्ल्ड कप जीतेगा बाप। नहीं इंडिया। भाई, मैं इंडिया ने जो पिछली बार दिल तोड़ा उसके हिसाब से तो मैं सोच रहा हूँ सेमीफाइनल भी काफी है। सेमीफाइनल मेरे लिए फाइनल जीतने के बराबर है भाई। अभी मैं देखो मुझे लगता है सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुझे हारेंगे पता क्या लगता है, मुझे पता क्या लगता है, सेमीफाइनल। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जीतेगा? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो पिछले जो वर्ल्ड कप का इतिहास देख रहे हैं कि जो टीम घर में खेलती है वो जीतती है, क्या कहीं ये हाँ तो नहीं है भाई? वो तो पिछले 15-12 सालों का रिकॉर्ड है भाई। हाँ इंडिया ने ही वो रिकॉर्ड बनाया था, देखो इंडिया ने ही वो रिकॉर्ड बनाया था, और इंडिया से ही टूटेगा वो उस दिन, क्योंकि इंडिया इंडिया ने शुरू किया नहीं। था। तो हाँ आपको क्या लगता है अनमोल जी, आपको आप कौन जीत रहा है? देखो न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में इंडिया को हराएगा, इतना मुझे पता है। सेमीफाइनल में इंडिया को हराएगा, मतलब अगर अगर ये अनमोल भाई 2020 होता तो मैं मान लेता, लेकिन वनडे में नहीं मुझे लगता। मैं को तो ये बेटा बोल रहा वनडे हूँ कि में 2019 में क्या वो न्यूजीलैंड, क्या था? क्या पता साउथ अफ्रीका ही इंडिया को सेमीफाइनल हराएगा, क्योंकि ओ देखो ना आप देखो साउथ अफ्रीका की टीम बहुत जबरदस्त है, क्विंटन नहीं, डिकॉक अच्छी है, टीम है, और अच्छी टीम है, बबुमा बबूमा भी की है अभी। कैप्टनसी देखो, बबूमा की कैप्टनसी फैफ डुप्लेसी से 10 गुना ज्यादा बेहतर है, कुछ भी बोल लो आप। उनका उनके बॉन वहां जब पे बैठे थे कमेंट्री करते दिखेंगे आपको। कौन हाँ कौन हाँ फिर फैफ आपको मैं बताता हूँ उनको ना, साउथ कौन अफ्रीका स्टालिन में भाई, फैफ डुप्लेसी, फैफ फैफ डुप्लेसी डुप्लेसी कमेंट्री कर रहे हैं, फैफ हाँ, डुप्लेसी। डुप्लेसी कमेंट्री, मुझे लगा कोई और है। देखिए उन जो टिम्बा बमुआ ना अनमोल भाई, उनका सिर्फ क्रिटिसिज्म किया जाता है कि वो एक मतलब ब्लैक उससे आते हैं, मतलब ब्लैक कलर वहां पे ना थोड़ा, उसकी हाँ वजह से उनका मेरा क्रिटिसिज्म किया जाता है। अफ्रीकन बहुत अदरवाइज वो बेकार है कप्तान ब्लैक अच्छे हैं, वाले, वो कप्तान अच्छे ब्लैक हैं वो। भाई देखो ऐसा है कि वो चाहे कोई भी कुछ भी बोले ब्लैक ब्लैक, पर जो अफ्रीका की टीम है ना वो टिम्बा बबूमा पे ट्रस्ट करती है, क्योंकि करती है, आप करती मार्करम है। उठा के देख लो, आप मार्करम उठा के देख लो, आप यहाँ पे क्लासन उठा के देख लो, आप वेंडर बिल्कुल डुसन उठा के बिल्कुल, देख लो, मिलर उठा के देख लो, ये छह वेंडी के छह डुसिन, टॉप प्लेयर इकट्ठे लाए ना, एक बार अगर लाए तो किसी कैप्टन ने, वो तो बबूमा थे जिन्होंने इन छह के छह बिल्कुल प्लेयर्स को इकट्ठा लाया है, और इकट्ठा लाके जो टीम बनाई है यार, आप देखो ना फिर 7 पे आपके पास केशव महाराज हैं, 8 पे आप देखो फिलक वायो शायद लिखवा खेले ना है, खेले फिलको पता नहीं है, फिलक वायो खिला आयो या नहीं खेला? खेलेंगे, रबाड़ा खेलेंगे, शमसी खेलेंगे, तबरेज शमसी। अरे तो भाई 12 प्लेयर खिलाओगे क्या? एनजीडी को नहीं खिलाओगे, नोकिया को नहीं खिलाओगे, हाँ कुछ भी है? नहीं, नोकिया नोकिया नहीं नहीं है है, ना, नोकिया नोकिया नहीं नहीं है है भाई, नोकिया नहीं है, नोकिया। नोकिया की अरे जगह माफ लिजर्ड करना, विलियम्स नोकिया आए नहीं हैं। है, हाँ नोकिया नहीं है, नोकिया और पहले पहले सॉरी। नोकिया और मगाला थे, दोनों ही नहीं है अब। हाँ तो पेक्लो को आयो को शायद खिलाए, मार्को जैनसन को खिला सकते हैं पेक्लो को आयो को जगह, क्योंकि हाँ, मार्को वो जैनसन खेलेगा, वो खेलेगा, वो अरे बल्लेबाजी भी मार्को करके दे रहा जैनसन है ने इनको। ऑस्ट्रेलिया की हड्डी तोड़ दी थी आखिरी जी मैच में, फिर भाई 23 बॉल में 46 बनाए भाई उसने, 23 बॉल में, और 5 विकेट ले गया वो बंदा, 5 विकेट। 5 विकेट भी ले लिए, 5 विकेट भी ले लिए। लेकिन कुछ भी बोलो यार, अगर रोहित शर्मा कैप्टन है तो मुंबई इंडियंस के प्लेयर खेलेंगे इंडियन टीम में, अगर विराट कोहली हो तो आरसीबी के कैप्टन प्लेयर्स खेलेंगे, और जब धोनी कैप्टन थे तो चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स खेलते थे ज्यादा इंडिया में, तो ये आई थिंक चलता रहेगा, ये नहीं टूट लेकिन रहा ऐसा साउथ अफ्रीका में नहीं है भाई, साउथ अफ्रीका में बहुत सर। सारी मतलब ये लीगें वगैरह होती है, लेकिन ऐसा उस वहां पे नहीं है। कहीं पे नहीं है ये, ऐसा कहीं पे नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल को देख लें, आप नहीं है, साउथ कहीं अफ्रीका नहीं को देख है, लें, किसी पे भी नहीं है ऐसा कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा महान भारत क्रिकेट मैनेजमेंट। हाँ महान,
आप देखो ना, जब धोनी हुआ करते थे तब रैना और अश्विन की पार्टनरशिप, जडेजा और अश्विन की पार्टनरशिप थी, रैना थे, जडेजा अश्विन रैना भी थे, सारे चेन्नई प्लेयर्स, ठीक है। जैसे ही धोनी गए, लेकिन वो तो धोनी को, वो तो भला हो धोनी का कि वो प्लेयरों को खिलाना जानता था, इसलिए उसका क्रिटिसिज्म नहीं। गेम निकालना जानता था वो उनसे। अगर अगर अब देखे विराट कोहली ने सिस्टमैटिकली रैना हटाया, जडेजा हटाया, अश्विन हटाया, लाया क्या, युवराज हटाया, नहीं नहीं चहल लाए, नवदीप सैनी को बुलाया, बॉलिंग करवाए, सिराज को बुलाया, केदार जाधव भी थे, केदार जाधव थे, केएल राहुल थे, जब आरसीबी के लिए खेलते थे अभी आए थे इंडियन टीम में खेलने, वॉशिंगटन सुंदर को लाया, अब तो शाहबाज अहमद को इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा अच्छी सिफारिश करवा दी कि शाहबाज अहमद एशियन गेम्स खेलने जा रहे हैं इंडियन टीम के साथ। ये है सिफारिश विराट कोहली। वो स्क्वाड में भी होते हैं, वो जैसे कोई हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है उनमें होते हैं, वो स्क्वाड में भी लेके जाते हैं उनको, एज ए विकेट कीपर, माफ कीजिएगा, एज ऑलराउंडर बैकअप। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल के कप्तान ना हो के मुंबई इंडियंस में आ गए। हाँ फिर वही वही द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, वही बोल रहे हैं संजू, संजू ना इंडियंस में खेल रहे होते तो ईशान किशन आज, ईशान किशन आज इंडियन टीम में नहीं होते, ये मैं बोलना चाहता। ये तो बताएं पक्के में कप्तान साहब, पाकिस्तानी क्या खिलाड़ी का भाई में कप्तान साहब, कप्तान साहब ने ये कहा था सैमसन भैया का बैकफुट पे बहुत अच्छा है, हम उन्हें ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, बाद में उसके पिछवाड़े पे मारी लात और बोला तुम निकल यहाँ से, तुझे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा रहे हम, कहीं पे नहीं लेके जा रहे, अभी तो भारत में ही रखा उनको, भारत में भी ट्रैवलिंग में ही रखा उनको, 2019 के वर्ल्ड कप में अंबानी रेडू के साथ वैसा हुआ, सैमसन को एशियन गेम्स में भेजा कि नहीं सैमसन को, नहीं नहीं वो ट्रैवलिंग में है, ट्रैवलिंग में है, ट्रैवलिंग में है, अगर वर्ल्ड कप के ट्रैवलिंग रिजर्व में वो भी, हाँ 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 उसमें रखा हुआ उसको। अच्छा तो भाई हांगझाओ में भेज देते कम से कम वो पाकिस्तानों को मार के आ जाते यार। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फिनिश कर देते हैं कुछ आखिरी आपके फाइनल रिमार्क्स तो ले लिए। सूरज भाई आप बताओ इंडिया कहाँ फिनिश कर रहा है? सूरज भाई तो शायद आवाज भी नहीं निकला उनका अब तक तो, अरे वो अब वो बीच में छोड़ के चले गए थे अभी अभी। मैं अगर बोलू ना, मैं चाहता हूँ इंडिया वर्ल्ड कप अगर इंडिया जीतेगा भी ना तो राहुल द्रविड़ को हटाओ, मैं ये नहीं मानता, वो तो मुझे लगता है हटा दिया जाएगा। दिल तोड़ने से अच्छा तुम लीग में बाहर हो जाओ यार। सही बात है यार, मेरे को भी यही अच्छा लगता है, अच्छा लीग में बाहर हो जाओ यार प्लीज, सेमीफाइनल में बस मत हारो यार, वहाँ दिल मत तोड़ो। देखो साउथ अफ्रीका ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, साउथ अफ्रीका ने बहुतों के दिल तोड़े हैं, इसलिए अब उनको आदत सी पड़ गई है, मेरे को लगता है इंडियन टीम के साथ भी लोगों को आदत सी पड़ गई है कि भाई हारते हैं, वो वैसे भी हारेंगे ऐसे भी हारेंगे, तो क्या इनसे उम्मीदें क्या रखनी। अरे नहीं 2015-19 में ना हम भी थोड़े ना इंडियन मीडिया के बहकावे में आ जाते थे कि अरे इतनी बेहद, अभी देखो ना इंडियन मीडिया क्या चला रहा है, स्टार स्पोर्ट्स देखो और जो ब्रॉडकास्टर है ना वर्ल्ड कप के, अरे यार 5 दिन से बोल रहे हैं एशिया कप में आपने सारे बॉक्सेस हाँ टिक मार दिए, वो इरफान पठान आके बोल रहे हैं अरे इंडियन टीम के सारे बॉक्सेस टिक है, भाई इंडियन टीम में कोई कमजोरी नहीं है, वो वहां पे संजय बांगर बोल रहे हैं कि कोई कमजोरी नहीं है यार, ये बच्चे को भी कह रहे हैं। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये सारे जो मैचेस है ना उसके पास होते स्पोर्ट्स 18 वालों के पास, क्योंकि वहाँ पे जियो सिनेमा पे आता है वो पंजाबी में कमेंट्री देते हैं, मुझे वो बड़ी पंजाबी में कमेंट्री सुनी है मैंने पंजाबी में, मुझे तो लगता है स्टार स्पोर्ट्स ने लिया भी है तो विवेक राजधान को कमेंट्री टीम में लेना चाहिए, मराठी में भी देते हैं सभी लैंग्वेज में, हाँ लेना चाहिए मगर, क्योंकि और आईपीएल में भी लेना चाहिए क्योंकि आईपीएल विवेक राजधान के बिना बोर रिंग लगता है एकदम, क्योंकि जब सोनी टीवी के पास था आईपीएल, विवेक राजधान सुनो दादा मैं अपना पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट सच बताऊँ है, उसका आवाज नहीं आ रहा है बराबर, आपका पॉइंट रखो लेकिन आपके पॉइंट को ठीक करो, उनका आवाज बराबर नहीं आ रहा है।
अभी आ रहा है, अभी अगर, आ रहा है, अगर मेरी वॉइस अभी है, देखिए अगर अगर स्टार वाले के पास जितने भी कॉमेंटेटर्स है उनकी आवाज सुन के ही मुझे नींद आ जाती है, इसलिए मैं कभी भी टेलीविजन पे मैच देखता नहीं हूँ। जब भी नहीं, नहीं, आप इंडिया को कहाँ देख रहे हैं सूरज भाई, वो बताइए अभी आपकी बात। मैं टॉप फोर में देख रहा हूँ इंडिया को। ओह, मैं फाइनल में देख रहा हूँ इंडिया को, फाइनल में। हारते हुए या जीतते हुए? नहीं, फाइनल तो हम जीत कर ही जाएंगे। हाँ फिर ठीक है, दिल रखने के लिए बोल रहा है भैया। वही मेरा भी काम है। नहीं, कोई तो ऐसा मेरा भी काम है, क्योंकि मेरे को 15 दिन का स्क्वाड ही नहीं पसंद आया। अरे मीरा भाई सानू का इवेंट थोड़ा देखो संदीप भाई, क्या है। और अभी शो खत्म करेंगे, फिर कमेंटेटर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि सोनी पे जो कमेंटेटर्स के, रतिंदर सिंह सोडी, चेतन शर्मा, विवेक राजदान, हाँ, आकाश चोपड़ा, और पहले सोनी पे आया करते थे सुनील वैद्य, विनीत गर्ग, 2012 के वक्त कितने बढ़िया स्टार वालों के पास वो बात नहीं है। चेतन शर्मा सिलेक्टर से अच्छा कमेंटेटर है यार, सच बोलता हूँ मैं, उसकी कमेंट्री मुझे बढ़िया। चेतन शर्मा सिलेक्टर से अच्छा कमेंटेटर, मनीष भनोटिया भी है, और वहां पे हम मनीष भटारिया कहाँ पे, सोनी पे ना? मुझे याद है, हाँ संजय बैनर्जी भी है, अदर स्पोर्ट्स के लिए, मतलब कबड्डी वगैरह। कबड्डी और हॉकी के मामले में अगर बोलो तो संजय बैनर्जी से बेस्ट ही शायद कोई हो, मतलब वो बहुत ही बढ़िया इंसान है यार कमेंट्री के मामले में। स्टार ऐसा लगता है पूरा गला मार के टैकल हो गए करता है। अब आप खुशखबरी देते हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया भाई टेनिस में, रोहन बोपन्ना और शायद एक रितु रुजा कुछ ऐसा नाम है। अरे वाह, चलो चलो, गोल्ड मेडल, बाय बाय रोहन बोपन्ना। तो चलिए समाप्त करते हैं, अच्छी खबर से, अच्छी अच्छी खबर से, अच्छी खबर से आपने एंड कर रहे इवेंट। मैं देख रहा हूँ अभी, एक मिनट, वो चला गया,